विकी कौशल, आमिर विर्क और तृप्ति डिमरी की फिल्म बैड न्यूज, जो कि जुलाई के महीने में रिलीज होगी, उसका ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म का ट्रेलर सोशल मीडिया पर आते ही वायरल होने लगा है। चलिए जानते हैं कैसा है फिल्म बैड न्यूज का ट्रेलर और क्या कहानी है इस मूवी की। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप वीडियो को पूरा देख लेना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं कोमल और आप देख रहे हो स्टूडियो अड्डा। फिल्म बैड न्यूज का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, जैसे कि ट्रेलर में तृप्ति डिमरी कंफ्यूज है कि उनके पेट में पल रहे बच्चे का बाप कौन है। क्वांटम फिजिक्स थोड़ी ना है, सिंपल सा सवाल है, जोर लगा दिमाग पर और बता बाप कौन है। सही भी नहीं पता यार किसका है, बहुत कंफ्यूजन है। फिल्म बैड न्यूज में तृप्ति डिमरी, एमी विर्क, विकी कौशल के अलावा नेहा धूपिया भी नजर आई हैं। आगे रिलीज होने वाली इस एंटरटेनिंग और कॉमेडी मूवी को आनंद तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं। ये फिल्म धर्मा प्रोडक्शन की एक फिल्म है। ये फिल्म कॉमेडी से भरपूर है। इसके साथ ही फिल्म में कहीं कहीं ऐसे भी सीन हैं जो आपकी आंखों को नम कर देंगे। बैड न्यूज पोस्टर में तृप्ति डिमरी बेबी बम के साथ दिखाई गई थी। उसके बाद साफ हो गया था कि इस फिल्म की कहानी भी साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म गुड न्यूज की तरह प्रेगनेंसी से जुड़ी होने वाली है। जी हाँ, ये फिल्म गुड न्यूज का सीक्वल है और विकी कौशल की ये फिल्म गुड न्यूज से कितनी अलग होगी ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि गुड न्यूज की कहानी जहाँ स्पर्म स्वैप पर बेस्ड थी, तो वहीं बैड न्यूज एक ऐसी मेडिकल कंडीशन पर आधारित होने वाली है जिसे हेट्रोपैटर्नल सुपरफेक्टेशन कहा जाता है। इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम फिनोमेना। दिस इज अ केस ऑफ हेट्रोपैटर्नल सुपरफेकंडीशन, जिसमें एक महिला अलग अलग पुरुषों से जुड़वा बच्चों के साथ प्रेग्नेंट हो जाती है। फिल्म में तृप्ति उसे प्रेग्नेंट महिला के रोल में नजर आने वाली है। yeah. एक ही साइकिल में दो अलग अलग एग्स फर्टिलाइज हुए हैं, इसीलिए आप दोनों ही बाप हैं। तो शुरू करें। ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये फिल्म सच्ची कहानी पर बेस्ड है। फिल्म बैड न्यूज की बात करें तो इस फिल्म को आनंद तिवारी द्वारा डायरेक्ट और करण जौहर द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। फिल्म में इन सब के अलावा सान्या मल्होत्रा और फातिमा सना शेख भी मुख्य भूमिका में नजर आने वाली है। हालांकि अभी फिल्म से जुड़ी अन्य कास्ट को लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है और बैड न्यूज फिल्म की शूटिंग पिछले साल ही पूरी हो गई थी और अब फिल्म रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म बैड न्यूज के रिलीज डेट को लेकर अनाउंसमेंट कर दी गई है। ये फिल्म 19 जुलाई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और देखना ये होगा कि जैसे गुड न्यूज मूवी सबको बेहद पसंद आई थी और वो ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी, तो क्या ये मूवी भी उसका मुकाबला कर पाएगी? और आपको इसका ट्रेलर कैसा लगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।